हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर क्या। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 20 ऐसे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज को लेके आ गया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है और ये बहुत सारे एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। तो आप इन्हें रिलैक्स होकर पढ़ें, समझें और इसे याद कर लें। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, पढ़ने वाले पेपर को किस पेड़ से बनाया जाता है। ऑप्शन ए बांस के, ऑप्शन बी आम के, ऑप्शन सी जामुन के, ऑप्शन डी कटहल के। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी बांस के। क्वेश्चन दो कह रहा है, घड़ित सर्फ किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए रूस देश की, ऑप्शन बी पाकिस्तान देश की, ऑप्शन सी अमेरिका देश की, ऑप्शन डी भारत देश की। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी भारत देश की। आपका क्वेश्चन कह रहा है, सोने का होटल किस देश में है। आपका ऑप्शन है सऊदी अरब, बी भारत में, सी वियतनाम में, डी चीन में। तो दोस्तों, सोने का होटल ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी वियतनाम में। आपका क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए 26 राज्य, ऑप्शन बी 28 राज्य, ऑप्शन सी 30 राज्य, ऑप्शन डी 15 राज्य। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 28 राज्य। भारत देश में कुल 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, दोस्तों हमारे भारत देश में कुल कितने ज़िले हैं। ऑप्शन ए 720 ज़िले, ऑप्शन बी 726 ज़िले, ऑप्शन सी 800 ज़िले, ऑप्शन डी 826 ज़िले। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 726 ज़िले हमारे भारत देश में है। क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है, किस जीव का सिर कट जाने के बाद भी हफ्तों तक जिंदा रहता है। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी मछली। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसका सिर कट जाने के बाद भी वो एक हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन सात कह रहा है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए चीन देश की, ऑप्शन बी अमेरिका की, ऑप्शन सी श्रीलंका देश की, ऑप्शन डी भारत देश की। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी भारत देश की। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है, भारत में कोरोना का पहला टीका किसे लगा था। ऑप्शन ए राहुल गांधी को, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन सी मनीष कुमार को, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ को। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी मनीष कुमार को। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है, सर्वाधिक काला नमक किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी वियतनाम में, ऑप्शन सी कांगो में, ऑप्शन डी यूरोप में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अमरूद। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, यानी बरगद। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था। ऑप्शन ए कैटरीना, ऑप्शन बी हिमांशी, ऑप्शन सी रेशमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है,
यानी रेशमा। क्वेश्चन 12 कह रहा है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए सितार के आविष्कार से, ऑप्शन बी बांसुरी के आविष्कार से, ऑप्शन सी तबला के आविष्कार से, ऑप्शन डी शहनाई के आविष्कार से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी सितार के आविष्कार से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, लुधियाना, कानपुर, पटना, अंकलेश्वर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी अंकलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चूहा एक साल में कितने बच्चे को जन्म देते हैं दे सकते हैं, ऑप्शन ए लगभग 800, ऑप्शन बी लगभग 1000, ऑप्शन सी लगभग 2000, ऑप्शन डी लगभग 5000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000, लगभग 1000, यानी एक चूहा एक साल में लगभग 1000 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है खुशबुओं का शहर नाम से किसे जाना जाता है, यानी किस शहर को खुशबू वाला शहर कहा जाता है, ऑप्शन ए कन्नौज को, ऑप्शन बी मैसूर को, ऑप्शन सी शिमला को, ऑप्शन डी बरेली को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, यानी कन्नौज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 17 कह रहा है विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए 18 जून को, ऑप्शन बी 30 जून को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी 15 जून को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी 15 जून को। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है तोते की तरह आँखें फेरने का अर्थ है, ऑप्शन ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ऑप्शन बी किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, ऑप्शन सी दोस्त के साथ विश्वासघात करना, ऑप्शन डी बिना सोचे समझे निर्णय करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, यानी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन समय में आप तक पहुंच जाए। देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूं, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा था किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी ब्लडवुड ट्री। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को काटने से, यानी ब्लडवुड ट्री को काटने से खून निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, ऑप्शन ए एक रंग, ऑप्शन बी तीन रंग, ऑप्शन सी पांच रंग, ऑप्शन डी सात रंग। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, और अगर आपका ऑप्शन सही हो रहा है, अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो मैं आपको आंसर सही बताऊंगा, पहले आप कमेंट करें।
और बताएं कि आपका राय क्या है, इन ऑप्शनों में से कौन ऑप्शन सही हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक बटन को भी दबाते जाएं। और दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं समय में आप तक पहुंच जाए उस वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।